है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन फैसलाबाद और मुखय्यर अफराद के इश्तराक से गुलफिशां कॉलोनी में 25 इज्तमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गरीब और मुस्तहिक 50 खानदान रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर थे, जबकि इस मौके पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और मिनहाजुल कुरान के ओहदेदारान और मेम्बरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीबन 1052 शादियां हो जाएंगी आज की शादियों की शमूलियत के साथ। अब सवाल ये है कि ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ये मिशन है कि उन अहबाब को जिनकी खसूसन उन बच्चियों को जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते रुख्सती करना, उनकी रुख्सती करना और उनकी शादियां करना, ये हमारी समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूल्हे अपनी अपनी बारात लेकर स्टेज पर विराजमान हुए, उनके चेहरों पर मुसर्रत और शादमानी के असरात साफ नजर आ रहे थे। जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम है, ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, गरीब और मुस्तहिक बच्चों का हक दिला रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह जारी रहे और हम इस तहरीक के कायद को सलाम पेश करते हैं। दूसरी जानिब पिया घर सधारने वाली दुल्हनें भी फूले न समा रही थीं और नई जिंदगी शुरू होने पर निहायत मसरूर नजर आईं। हमें सामान भी दिया है और हमें हमारे घरों में रुख्सत भी की है और हमारे वालदेन से गरीब वालदेन से एक बोझ उतारा है और उन्होंने हमें बिल्कुल वालदेन की तरह सपोर्ट किया है और हमें सामान भी दिया है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर अता फरमाए। तकरीब में मौजूद सैकड़ों बारातियों की खाने और मशरूबात से तवाज़ो की गई। उन्होंने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के इस इकदाम को भरपूर अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मुखय्यर अफराद के तआवुन से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का ये इकदाम इंतहाई काबिल तहसीन है कि जहाँ गरीब और मुस्तहिक अफराद के घर बसाकर उनकी ढेरों दुआएं समेटी जाती हैं। कैमरामैन शाहिद जुगनू के साथ मोहम्मद नसीम शाह, बिजनेस प्लस न्यूज़, फैसलाबाद।